धार जिले के पीथमपुर में मरी माता टेकरी पर एक बहुत ही दुखद घटना देखने में आई। एक महिला जिसका नवनिर्मित मकान की बाउंड्री नगर पालिका प्रशासन ने तोड़ दी। महिला का आरोप है कि क्षेत्रीय पार्षद द्वारा पैसे की मांग की गई, मैंने कुछ पैसे दिए और बाकी नहीं दे पाई। इसके चलते प्रशासन और पार्षद की मिलीभगत से मेरा मकान तोड़वा दिया गया है। संबंधित जानकारी में जब मैंने पूछा तो अधिकारी ने पैसे लेनदेन मामले से जानकारी का न होना बताया है। महिला के मकान के अवैध निर्माण की शिकायत मिल रही थी, जिसमें हमने कार्यवाही की है, पर सोचने वाली बात तो यह है कि खसरा नंबर 244 और 232 जिसका कुल रकबा 32,986 हेक्टर लगभग है, जिसमें खसरा नंबर 332 की भूमि जिसका रकबा 20,998 हेक्टर लगभग है, जो कि पूर्णतः शासकीय है, वहीं दूसरी ओर खसरा नंबर 244 और जिसकी कुल भूमि 11,948 हेक्टर लगभग है, यह भूमि मध्य प्रदेश वाणिज्य और उद्योग विभाग की है, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। शासन ने इन्हें मदद की है, प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन भी दिए गए हैं और अन्य सुविधाएं भी शासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में सोचने की बात तो यह है कि इतने बड़े एरिए में लगभग 3,000 से ज़्यादा मकान गरीबों के बने होंगे, जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में बील गाँव के अवैध निर्माण होता है, जिसमें सक्रिय नगर पालिका अमला तुड़वाना जाता है। आला अधिकारियों की यह पहल बड़ी सराहनीय है, पर प्रश्न यह भी है कि उस महिला का मकान ही क्यों तोड़ा गया, जबकि पूरी बस्ती ही अवैध निर्माण की जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। मरी माता टेकरी पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा था, तो उसको ही आज जो अतिक्रमण दल है नगर पालिका से हेड ऑफिस से वो आया था, और उसका जो एक दल बना गठित है उसके प्रभारी हैं धारवी सर, वो उन्होंने उन्हीं के संरक्षण उसके देख रेख में वो सारा जो था अतिक्रमण हटाया गया था। अच्छा, महिला का आरोप है कि नगर पालिका ने बिना किसी सूचना के अतिक्रमण तोड़ दिया। नहीं नहीं, महिला को हमने 4-5 बार जाके समझाइश भी दी थी, और उसको हमने 6-8-2020 को जाके नोटिस भी दिया था बाकायदा। उसके बाद मैंने कल भी उसको समझाया था कि ये तुम जितना आगे बना रही हो वो मत बनाओ, लेकिन उसके बाद भी वो निर्माण कर रही थी। क्षेत्रीय पार्षद से कुछ लेन देन की बात सामने आई है? नहीं, अब वो पार्षद का या उस महिला का क्या मैटर है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पास जो है कि वहाँ के रहवासी जो हैं वो आए दिन शिकायत करते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, अवैध अतिक्रमण, तो बस मेरा काम है उसको हटवाना। आपका नाम और पता बताएं। मेरा नाम प्रमोद चौहान है और मैं ARI। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।